शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र, तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र। देवी कद्रु ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फल स्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। 800 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा माँ। अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को।
क्या हुआ माँ? और ये सब कौन है? ये नाग हैं, तेरे भाई, और ये हैं तेरी बड़ी माँ, और इन नाग भाइयों की माँ कदरू। प्रणाम बड़ी माँ। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, वो मैं आपको और अपने भाइयों को पहचान नहीं पाया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ समय से आ गई, पल दो पल की देरी हो जाती तो आप में से कोई मेरा प्रथम आहार बन जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ ऐसी भूल फिर कभी नहीं होने देगी, है ना विंता? जी। माँ आपको चिंतित लग रही है, क्या कारण है? तू कभी अपने होने वाले पुत्र को ये नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तू चल मेरे साथ चल, पहले नारायण का आशीर्वाद ले ले, चल आ जा। आपकी दूर दृष्टि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है माँ। यदि इसके जन्म से पहले आप छोटी माँ को अपनी दासता के बंधन में ना बांध लेती तो आज ना जाने क्या हो जाता। परम प्रभु श्री विष्णु, मुझे इस पुत्र के रूप में स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है आपने। हर माँ की तरह मैंने भी अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देखे थे, आशाएं संजोई थी, पर पहले पुत्र के जन्म लेते ही मुझसे दूर हो जाने के कारण मेरी आशाएं बिखर गई थी, वो सारे स्वप्न टूट गए थे। और अब 1,000 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे ये पुत्र मिला है, तो मैं माँ बनने से पहले ही दासी बन चुकी हूँ। मुझे पता था प्रभु, जो मेरे भाग्य में है एक ना एक दिन मुझे भोगना ही होगा, बस ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा आघात अपनी ही बहन के हाथों सहना पड़ेगा। पर अब अपने मन को शांत और मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मैं अपने दोषों से पहले पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र पर मेरी तो क्या, संसार की किसी भी दोष की छाया ना पड़े।
अनासी पुत्र होने के बाद भी आदर्श बने, महान बने, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं जानता पर अनुभव कर सकता हूं कि माँ को मेरे जन्म लेने की प्रसन्नता तो अवश्य है, पर कहीं ना कहीं इनका मन उदास भी है। मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक है, माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति, बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ की हर उदासी, हर चिंता, हर दुख को दूर कर सकूं। त्रिविंता, शिव शंकर की पारिजात माला और महाविष्णु के परम भक्त बालखिल ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तेरा ये पुत्र पराक्रमी भी होगा और परोपकारी भी। ना तो ये किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करेगा और ना ही किसी के साथ दुष्टता होने देगा। ऐसे अनेक असाधारण कार्य करेगा ये, जिनके कारण आने वाले युगों में समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। गरुड़ मेरा पुत्र आयुष्मान भावा, यशस्वी भावा, जो संसार में सबसे अधिक स्नेह विंता से करती थी, उसी बड़ी बहन के द्वारा छल से दासी बनाए जाने के दुख से विंता हमेशा के लिए टूट चुकी थी। पता है गरुड़, तुम्हारी माँ बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का ऐसा तेज तमकता हो, वही विंता भय की छाया में सदा सदा के लिए दासी बनकर रह जाएगी। और उनके साथ हुई घटना के कारण तो वो पहले ही टूट चुकी थी, और कदरू के निर्मम वार ने उसके कोमल से हृदय को चकनाचूर कर दिया था। तुम्हारी सुरक्षा करना जीवन का उद्देश्य बन गया था। अपने लक्ष्य को साधने के लिए कदरूस के भाई का उपयोग कर रही थी, तरह तरह की शारीरिक मानसिक दबाव डाले ताकि उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाए, और यही हुआ। धीरे धीरे विंता स्वयं को भूलने लगी थी, बस उसे याद था तो सिर्फ अपने वचन का मान। तुम्हारी माँ के लिए उसका वचन ही परम सत्य है और सत्य ही धर्म है। तुम्हारी माँ
वायु के बिना जीवित रह सकती है पर धर्म के बिना नहीं। इसलिए तो तुम्हारे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उसने अपना वचन निभाया है और भविष्य में भी निभाएगी, फिर चाहे वो कदर उसके प्राण क्यों ना ले ले। सत्य कह रहे हैं आप, माँ के इन्हीं व्यवहारों के कारण मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हुए कि दोनों बहन होकर एक महारानी और एक दासी क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। पर अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हृदय में सुलग रहा है कि मैं अपनी माँ के कष्ट मिटाने के लिए क्या करूं, कैसे दिलाऊं उन्हें इस दास्ता से मुक्ति। करुण, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मुझे अपने पुत्रों के पास जाना होगा, वो घायल है, उन्हें मेरी आवश्यकता है, मुझे जाने दो। अवश्य जाने दूंगा दीदी माँ, परंतु एक वचन लेने के बाद। वचन दीजिए दीदी माँ कि मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई भी पुत्र, असुर सेना का कोई भी योद्धा, कोई भी सैनिक अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। सब व्यर्थ हो गया। इस करुण के कारण ना तो मैं अपनी समस्या का अंत कर पाई और ना ही कदरों की। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, सही कहती है, पर हम पिता श्री विष्णु रहस्यमय हैं, पर कृपा अवश्य करते हैं। यहां आकर ना केवल मुझे आपके दर्शन हुए अदिति माँ, पर अपने दानव भाइयों और अदिति माँ से भी भेंट हो गई। माँ पाताल भैरवी का आशीर्वाद मिला और आपकी तपस्या भंग हुए बिना ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि मेरी मां दासी क्यों और कैसे बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दास्ता को समाप्त करने का उपाय भी मुझे अवश्य मिलेगा। अदिति मां, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आपके सानिध्य में और रुकूं और आपकी तपस्या के दिव्य प्रकाश का लाभ प्राप्त करता रहूं। और अब मुझे जाना होगा, मेरी मां और नियति मेरी प्रतीक्षा कर रही है। माँ को बिना बताए चला आया था, मेरी चिंता में कितनी व्याकुल होंगी वो और कितनी क्रोधित भी होंगी मुझसे। कैसे करूंगा उनका सामना।